रामगढ़ जिला के पतरातू में बीते 2 मई को स्थित हरदेव कंस्ट्रक्शन साइट पर गोलीबारी कर दहशत फैलाने की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए रामगढ़ एसपी कार्यालय में एसपी पीयूष पांडे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया गया कि 2 मई को पतरातू हरदेव कंस्ट्रक्शन पर काम चल रहे हरदेव कंस्ट्रक्शन के साइट पर अपराधियों के द्वारा गोली चलाकर हड़कंप मचाया गया था। घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पतरातू डैम के समीप किंग रेस्टोरेंट में पकड़ा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल और 2 गोली जब्त किया है। रविवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी रामगढ़ पीयूष पांडे ने कहा कि हरदेव कंस्ट्रक्शन की साइट पर 2 अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम देते हुए कर्मियों को काम बंद करने की धमकी दी थी। घटना को लेकर पतरातू थाना में कांड संख्या 78/2023 धारा 25(1)(b)(a)(26)(35) आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जिस पर पतरातू एसडीपीओ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पतरातू डैम के निकट किंग रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई, जहां से सन्नी कुमार 24 वर्ष और ब्रजेश कुमार उपजहरा 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। दोनों बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि अभियुक्तों ने अमन श्रीवास्तव गिरोह के लिए रंगदारी को लेकर फायरिंग की थी। इसके पास एक देसी पिस्टल और 2 गोली बरामद हुई है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में छानबीन की जा रही है। पहले भी कंस्ट्रक्शन के साइट पर अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत का माहौल बनाया गया था। पतरातू क्षेत्र अपराधियों का पुनः अड्डा बन गया है। अपराधी अपना रूप बदल कर कांड देते रहे हैं। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। ये दिनांक 2 मई को हरदेव कंस्ट्रक्शन जो PVUNL के जो रेक है उसके लिए जो रेलवे पटरी बिछाने का काम है उसमें इन्वॉल्व है, तो वहाँ एक साइट पर हरदेव कंस्ट्रक्शन के एक लेबर द्वारा काम किया जा रहा था, तो वहाँ पर 2 बाइक सवार अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा आके वहाँ पर गोली चलाने की घटना को कारित किया गया था और उसके बाद धमकी दी गई थी। तो उसमें एक FIR रजिस्टर किया गया था और उसके बाद छानबीन की जा रही थी। तो उसमें अनुसंधान के क्रम में तथा छानबीन के क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि 6 मई को यानी कल एक जगह पर 2 अपराध कर्मियों की लोकेशन आ रही है, तो तुरंत थाना प्रभारी पतरातू एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा वहां पर छापामारी करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है सन्नी कुमार और ब्रजेश कुमार। ये दोनों बेगूसराय के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद की गई तथा 2 लाइव बुलेट्स बरामद की गई 0.315 बोर की। इन दोनों को उसके बाद थाना लाकर जब पूछताछ किया गया तो इन दोनों के द्वारा ये कन्फेस किया गया कि हरदेव कंस्ट्रक्शन पर जो 3-4 दिन पहले जो फायरिंग हुई थी उसमें जो घटना है इन दोनों के द्वारा कारित की गई थी। इसके बाद इनके द्वारा पुलिस के द्वारा और पूछताछ करने पर इनके द्वारा बताया गया कि अमन श्रीवास्तव गैंग के कहने पर इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और इस पूरी घटना के पीछे श्रीवास्तव गैंग के लोगों का हाथ है। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में एक केस भी रजिस्टर किया गया है। हम लोग बेगूसराय में इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों अपराध कर्मियों द्वारा यह भी बताया गया है कि पूर्व में भी बिहार में तथा अन्य जगह पर इनके द्वारा कई अन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस और इसमें हम लोग और डेप्थ में जाएंगे।